we're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. You're too curious, maybe you should take it slow. So good morning, क्या हाल चाल है दोस्तों? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो एज अ गाइड काम करेगी आपके लिए। आपको पता लग जाएगा कि आपको वेट लॉस कैसे करना है और मैंने कैसे करा। मैं आपको पूरा बताऊंगा इसमें, और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि आपको क्या करना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। और जो सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं, नए व्यूअर्स आए हैं, तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाओ, क्योंकि आगे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाओ, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो एक लाइक जरूर कर देना गाइस, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। बिल्कुल, जब मैं 90 किलो से 70 किलो कर सकता हूँ, तो गाइस आप क्यों नहीं कर सकते गाइस। मैं वो इंसान था जो चटपटे सामान का बहुत ही पसंद करता था। मतलब अगर मार्केट जाता था, चटपटे सामान खाए बिना मेरे से रहा नहीं जाता था। मैं खूब खाता था, अभी भी खाता हूँ। जब मैं थोड़ा सा ऑफ चलता हूँ, रेस्ट लेता हूँ, तो मैं जरूर खाता हूँ, पर जब मैं ऑन सीजन होता तब मैं नहीं खाता। तो आप भी कर सकते हो यार। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, गूगल पर जाकर अपना बॉडी मास रेशियो कैलकुलेट करना है, BMR जिसे हम बोलते हैं। तो एक गूगल पर जाकर लिखना BMR, तो वहां पर जो कैलकुलेटर आएगा, उस कैलकुलेटर में आपने अपनी हाइट, एज और वेट डालना है। तो वो आपको कुछ कैलोरीज कैलकुलेट करके देगा। उस कैलोरीज को आपने इनटू 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो 1.2 से मल्टीप्लाई करके आपकी कैलोरीज आएंगी, वो होती है हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज। अब मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है गाइस? मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं, अगर आप वो कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरी खाओगे तो उससे ना तो वेट आपका बढ़ेगा और ना ही कम होगा। मतलब कि जैसे आप अभी हो, आप वैसे ही रहोगे। आप ना ही मोटे होगे ना ही पतले होगे। तो अब सिंपल सा फंडा है, आपको पतले होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलोरीज कट करनी पड़ेगी। मतलब कि कैलोरी डेफिसिट इसको बोला जाता है। अब ये कट कैसे करनी है गाइस, मैं बताता हूँ मैंने कैसे करा। फॉर एग्जाम्पल मेरी कैलोरीज आई 2000 मेरी कैलोरीज आई मेंटेनेंस कैलोरीज। अब मेरे को क्या करना है, वेट लॉस करना है, अपनी बॉडी से फैट निकालना। तो मैंने क्या करा, 200 कैलोरीज कट कर दी। मतलब अपनी डाइट में से 200 कैलोरीज कट कर दी। तो अब मैं लेने लग गया 1800 कैलोरीज। पर 200 कैलोरीज का क्या, मेरी बॉडी को तो चाहिए 2000 कैलोरीज, पर मैं ले रहा हूँ 1800 कैलोरीज। 200 कैलोरीज हैं, बच गई हैं। ये मेरी बॉडी मेरे फैट से लेना शुरू कर देगी। मतलब जो मेरा फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा, और जो फैट बर्न होगा उसको बॉडी मेरी एनर्जी की तरह यूज करेगी और धीरे धीरे मेरा फैट कम होता चला जाएगा। और गाइज ये काफी लंबा प्रोसेस है, इसमें आपको 7 से 8 हफ्ते या उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। तो गाइज डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि इस प्रोसेस में जनरली क्या होता है, लोग डीमोटिवेट होके चले जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ डीमोटिवेट कहाँ होते हैं और वो क्यों होते हैं, मैं भी बताऊंगा कि मैं भी हुआ हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब आप क्या करते जा रहे हो, 7 से 8 हफ्ते हो गए, आपका बॉडी का वेट क्या होता है, कम होता चला जा रहा है। तो अब होगा क्या, आपका बॉडी का वेट कम हो रहा है, तो आपके क्या जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अब 7 से 8 हफ्ते हो गए, आपकी बॉडी को पता है कि भाई ये बंदा 200 कैलोरीज ही कट करेगा, इतनी एक्सरसाइज करेगा और इतना ये खाएगा। बॉडी आपको रिजल्ट देना बंद कर देगी या फिर कम कर देगी। और वही स्टेज होती है जब जहां पर सारे जिम छोड़ के चले जाते हैं या फिर डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। क्योंकि मैं भी ऐसे डिमोटिवेट होकर बैठ गया था, क्योंकि मैं भी देखने लग गया था कि अब मेरी बॉडी में रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। क्योंकि आप लगातार 200 कैलोरीज पे ही कट हो, तो आपको समझ आ जाएगा कि 200 कैलोरीज कट करने से कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, और कैलोरीज कट करनी पड़ेंगी। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। 200 कैलोरीज कट करे थे, अब आपको 50 कैलोरीज और कट कर देनी है। पहले 200 कैलोरीज कट करे थे, अब आप करोगे 250 कैलोरीज। और जो 50 कैलोरीज है हर हफ्ते कट करते जानी है। अगले हफ्ते आप कट करोगे 300 कैलोरीज, अगले हफ्ते 350 कैलोरीज, अगले हफ्ते 400 कैलोरीज। ऐसे कट करते आपने 500 कैलोरीज तक कट करते जाना है। और ये इस मतलब 8 हफ्ते के बाद आपको 6-7 हफ्ते और लगने वाले हैं, ताकि आप अच्छा खासा वेट लॉस कर पाओ। और आपने क्या करना है, ये था ऑप्शन नंबर 1। दूसरा, आपने हर 2 घंटे बाद खाना है। इससे क्या होगा, आपके जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है जो डाउन कम होता जा रहा था, वो आपका रेगुलर चलता रहेगा और फास्ट तरीके से काम करता रहेगा। कि आपने लॉट्स ऑफ वेजिटेबल खाना है, कम से कम 2 बारी दिन में बहुत सारे वेजिटेबल्स खाओ, क्योंकि वेजिटेबल्स में क्या होता है, हाई फाइबर्स होते हैं, और फाइबर्स एक ऐसा सोर्स है जो आपकी बॉडी से फैट निकालने में बहुत आपकी हेल्प करेगा। और वेजिटेबल खाने से क्या होगा, आपका पेट भरा रहेगा, क्योंकि वेजिटेबल्स क्या होते हैं, कैलोरीज में कम होते हैं और आप इनको काफी खा सकते हो, जिससे क्या होगा, आपको भूख कम लगेगी और आपका पेट भरा रहेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, फैट लॉस और वेट लॉस के दौरान क्या होता है, आपको भूख बहुत लगती है, और जिससे आप क्या करते हो, गलती कर बैठते हो, आप बहुत सारा खा लेते हो, तो वो कैलोरी सारी ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो ऐसी गलती आप मत करना, आप वेजिटेबल्स काफी सारे खाना, जिससे क्या होगा, आपका पेट भरा रहेगा और आपको स्टार्वेशन नहीं होगी। और गाइस मैं आपको पहले बोल देता हूँ, ये काफी लंबा प्रोसेस होता है, आपने इसमें डेडिकेशन से और पेशेंस से काम करते जाना है, आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। बस एक डिसिप्लिन और डेडिकेशन से अपना जो गोल है उसकी ओर बढ़ते जाना, 100% रिजल्ट मिलेगा। यार जब मैं कर सकता हूँ 90 किलो से 70 किलो आ सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते गाइस। 3 पॉइंट बता दिए मैंने, एक तो 50 कैलोरी कट करनी है, हर 2 घंटे बाद खाना, और लॉट्स ऑफ वेजिटेबल खाने हैं। अब चौथा पॉइंट है, कि आपने अपनी हर डाइट में प्रोटीन को 50% रखो। मतलब कि अगर आप दिन में 6 बारी खा रहे हो, तो हर मील में कम से कम 50% प्रोटीन होना चाहिए, 30% कार्ब्स और 20% फैट होना चाहिए। एक इस पॉइंट का भी ध्यान रखना, क्योंकि जनरली क्या करते हैं लोग, प्रोटीन के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप प्रोटीन खाओगे तो आपसे क्या होगा, आपकी बॉडी में मस्कुलरिटी आएगी, आपके मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे और आपका फैट कम होता शुरू हो जाएगा और आपका बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर सही हो। और आपने जो प्रोटीन खाना है, आपके जो अभी बॉडी वेट है उससे दुगना प्रोटीन आपका इंटेक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट अभी 80 किलो है, तो आपने कम से कम 160 ग्राम प्रोटीन रखना है अपनी डाइट में। आपने अपने वेट का दुगना प्रोटीन लेने की कोशिश करनी है पूरे दिन में। अगर आप कार्डियो दिन में 10 मिनट करते हो, तो उसको 5 मिनट और बढ़ा दो। अगर 5 मिनट करते हो तो 20 मिनट बढ़ा दो। और अगर आप हफ्ते में 3 दिन करते हो, तो उसे 4 दिन कर दो। एक ये काम करना है। समरी में शॉर्ट से बता देता हूँ कि पहले आपने 200 कैलोरीज कट करनी है कम से कम 6 से 7 हफ्ते तक। उसके आपको पता लग जाएगा 6-7 हफ्ते के बाद कि वेट कम नहीं होगा अब, तो आपको समझ आएगा कि 200 कैलोरीज कट करके कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो गया। तो अब आपको क्या करना है, पहला पॉइंट 50 कैलोरीज और कट करते जाना, हर हफ्ते 500 कैलोरीज तक जाना है। उसके बाद आपने हर 2 घंटे बाद खाना है। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रन करता रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आप स्टार्वेशन नहीं होगे। तीसरा पॉइंट, आपने बहुत सारे वेजिटेबल्स खाने हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट, आपने अपनी हर मील में प्रोटीन रखना है, और प्रोटीन इंटेक 50%, 30% कार्ब्स और 20% फैट रखना है। और आपका जितना बॉडी वेट है उससे आपने दुगुना प्रोटीन खाना है पूरे दिन के अंदर। इस चीज को पूरा ध्यान में रखना। और एक ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है गाइस, आराम से इसको आप अचीव कर पाओगे। जैसे मैंने बताया, इसको ऐसे ही स्टार्ट करना, आपको डे बाय डे रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। आप अपनी वीकली बेस से फोटो ले सकते हो, कि आपको पता लग जाएगा कि मैं इस हफ्ते इतना था, इस हफ्ते इतना था, इस हफ्ते इतना था। तो आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा ऐसे, तो आपको पता लग जाएगा कि बिल्कुल वेट कम होता जा रहा है। तो इससे आपका क्या होगा, मोटिवेशन बना रहेगा, आप प्रॉपर तरीके से काम करते जाओगे। एक लास्ट पॉइंट मैं और बताना चाहता हूँ आपको। दूसरा, आपने वेट ट्रेनिंग पे पूरा फोकस करना है। जनरली क्या होता है, लोग वेट ट्रेनिंग नहीं करते। यार अगर आप अभी जिम नहीं जाते, तो जिम जाना शुरू कर दो, क्योंकि वेट ट्रेनिंग से होगा क्या है, वेट ट्रेनिंग से एक तो आपकी कैलोरीज हैं वो ज्यादा बर्न होगी, क्योंकि वेट ट्रेनिंग एक ऐसा सोर्स है जो कैलोरीज ज्यादा बर्न करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या होगा, आपके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी प्रॉपर सही होगा, और आपका पोस्चर भी प्रॉपर सही होगा, और आपकी बॉडी में मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, आप और जल्दी फैट लॉस करोगे, और आपको अपनी बॉडी देखने में अच्छी लगेगी, और आपका जो गोल है वो आप अचीव कर पाओगे जल्दी। सो एक वेट ट्रेनिंग भी जरूर करना। यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको देना चाहता, जो मैंने 90 किलो से 70 किलो के निखिल को दी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी गाइस। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे मैं डाइट प्लान सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। आगे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वीडियोज आने वाली हैं, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर आपको कोई भी डाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछनी है, या फिर कुछ भी आपको वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो, या फिर वेट लॉस करना हो, फैट लॉस करना हो, मसल बिल्डिंग, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे एक मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर आ रही होगी अभी। तो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, जो मोटा है, जो पतला होना चाहता है, या किसी अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर कर सकते हो आप। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी हम्बल एंड बी बेस्ट। और गाइस हाँ, ये पेशेंस वाला काम है गाइस, डेडिकेशन से काम करते रहना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, इंस्टाग्राम पे एक मैसेज कर सकते हो, आपको आपकी पूरी हेल्प करूंगा मैं। सो बाय बाय।